बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मॉड्यूल टू सीएनए आरएनएस इसका मैंने फाइनल एग्ज़ाम एक्टिवेट कर दिया है, ठीक है, जो आपका क्विज़ नंबर टू कंसिडर होगा, ठीक है। चैप्टर एग्ज़ाम ऑलरेडी आप लोगों ने दे दिया, 25 जो है उसमें डेडलाइन थी, ठीक है। जिन्होंने नहीं किया जल्द अज जल्द वो इसको कंप्लीट कर ले। कैसे आप लोगों ने फाइनल एग्ज़ाम देना है, ठीक है, आप इसको क्लिक करेंगे, ठीक है, आरएनएस, और ये आपने क्लिक कर दिया, ठीक। अब यहाँ पर आप आएंगे तो ये चैप्टर एग्ज़ाम्स आप लोगों ने सारे दे दिए हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, कोर्स फीडबैक जो है ये आप लोगों ने देना है, ठीक है। ये स्किल एग्ज़ाम आप छोड़ दें, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कोर्स फीडबैक आप दे देंगे, ठीक है, तो जैसे ही आप ये दे देंगे, ठीक है, तो जब तक आप कोर्स फीडबैक को नहीं करेंगे, ठीक है, तो ये फाइनल जो है आपके लिए एक्टिवेट नहीं होगा, ठीक है। तो ये आप जैसे ही दे देंगे तो फिर ये फाइनल एग्ज़ाम आपके लिए एक्टिवेट हो जाएगा, तो ये एग्ज़ाम फिर आपने देना है, ठीक है। तरीका बिल्कुल वही है, ठीक है, जिस तरह आप लोगों ने मॉड्यूल वन में किया था, इसी तरीके से आप लोगों ने इसमें भी आप लोगों ने करना है। ये आपका जो है एमएस या बीएस के जो मतलब आपके कोर्सेज हैं, ठीक है, उसमें आपके ये क्विज़ नंबर टू आपका कंसिडर होगा, ठीक। चैप्टर एग्ज़ाम आपका जो है वो असाइनमेंट नंबर टू मैंने कंसिडर किया है, जबकि ये फाइनल एग्ज़ाम जो है ये आपका क्विज़ नंबर टू कंसिडर होगा। तरीका फिर मैं आपको बता दूं, रिकॉर्डिंग आप बेशक आप देख लें, फिर भी देख सकते हैं, लेकिन ये आप देख लें, ये कर दिया आपने, ये आपने क्लिक कर दिया, ठीक है, आ गए नीचे। ये चैप्टर एग्ज़ाम आप लोगों ने ऑलरेडी दे दिया है, ठीक है, ये कोर्स फीडबैक आप लोगों ने देना है। जब तक आप इसको नहीं करोगे तो ये आपके लिए एक्टिवेट नहीं होगा, तो जब ये एक्टिवेट हो जाएगा तो ये आपने देना है, ठीक है, फाइनल एग्ज़ाम, तो ये आपका क्विज़ नंबर टू कंसिडर होगा, ठीक है। थैंक यू। आई एम डॉक्टर सईद इरफानुल्लाह फ्रॉम अवासी यूनिवर्सिटी पेशावर।